सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम लोग ज़ैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम लोग लोकल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे थीम डाउनलोड करेंगे और कैसे हम लोग थीम को अपलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, और गाइस कैसे हम लोग थीम को कस्टमाइज करेंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, उन सारी चीज का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि अभी हम लोग अपने डिस्प्ले पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं गाइस, कि यहाँ पे मेरे पास कुछ लिंक है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट से रिलेटेड मैं यहाँ पे थीम लेने वाला हूँ। तो थीम का जो लिंक है गाइस, वो बेसिकली ये है, इसको आप सिंपली कॉपी कर लेंगे। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। सो आप लोग सिंपली क्या है कि इस लिंक को आप लोग कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, और यहाँ से आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोग को जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे पहले ही कर चुका हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहे हैं हमारा जिप फाइल, मतलब कि थीम हमारे यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या यहाँ पे है गाइस, कि हम लोग के पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली हम लोग उस चीज को बोलते हैं जो भी हमारा थीम का डिटेल्स, कि हम लोग को कहाँ पे थीम में क्या कुछ चेंजेस करना है, तो सारा कुछ हम लोग को एक डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को मिल जाता है कि कैसे हम लोग उस थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है इससे रिलेटेड, इस थीम से रिलेटेड मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो देख सकते हैं ये दोनों हमारा सेम है, और ये हमारा मेन थीम हो गया, ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। ऑलराइट, सो अभी मैं यहाँ पे इसको तो कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे अभी मैं क्या लोकल होस्ट पे डायरेक्टली चले जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट जैम को अपना ओपन कर लेता हूँ। जैम मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने सी ड्राइव में रखा था, सॉरी डी ड्राइव में। तो देखिए डी ड्राइव में मेरे को जैम मिल चुका है, और यहाँ पे हम लोग फटाफट अपने कंट्रोलर को ओपन कर लेंगे, जिसे हम लोग अपाची सर्वर और हमारा माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को दोनों ऑप्शन को कर देना है स्टार्ट पे क्लिक। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा दोनों कुछ ऑन हो चुका है। अब हमारा बेसिकली यहाँ पे लोकल होस्ट वर्क करने लगेगा। तो जैसे हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं काफी सही तरीके से हमारा यहाँ पे लोकल होस्ट वर्क कर रहा है। सो गाइस, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मैं प्रीवियसली वीडियो में एक मैं न्यू वेबसाइट के नेम से ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे अभी हम लोग अपने आ चुके हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है। सारा कुछ मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अपीयरेंस पे आ जाते हैं गाइस, और यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड न्यू का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से अभी हमारा जो जिप फाइल है ऑलरेडी डाउनलोड होया हुआ, इसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ अपलोड थीम का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे हम लोग को कुछ चूज फाइल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग चूज फाइल करते हैं गाइस, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये है थीम, ठीक है। इसको मैं बेसिकली सिलेक्ट करके सिंपली ओपन कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का एक बटन आ जाता है अपने को पास। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इंस्टॉलेशन होने लग गया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अभी मेरे को यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है, एक तो लाइव प्रीव्यू कि हमारा थीम जो इसमें है उसको एक बार हम लोग लाइव देख लें। दूसरा चीज़ हमारा क्या है कि इस थीम को हम लोग अपने साइट पे एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है कि थीम पेज में चल जाएंगे, तो बेसिकली हम लोग बैक हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे बैक हो जाऊँगा गाइस, तो यहाँ पे एक हम लोग को न्यू थीम शो करने लग जाएगा, जो कि यहाँ पे रेस्टोरेंट एंड कैफे के नेम से हमारा यहाँ पे थीम था। सो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ से अपना साइट विजिट करूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा साइट यहाँ पे दिख रहा था। ऑलराइट, तो सेकंड थिंग हम लोग क्या करेंगे गाइस, कि यहाँ पे हम लोग इसको एक्टिव नाउ पे करेंगे, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे इसी थीम को। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थीम एक्टिव हो चुका है। और देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग को मिल जाता है, जैसे कि हम लोग का जो भी प्लगइन है, ठीक है, जो भी हम लोग को रिक्वायर्ड प्लगइन है, वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बिगिन इंस्टॉलिंग पे कर देते हैं, और इन तीन को जैसे ये थीम के लिए ये तीन प्लगइन होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसका सिंपली ये मैं चीज़ है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सारे को सिलेक्ट करके एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होगा कि तीन थीम जो हमारे जो भी हमारा वर्डप्रेस है उस पर इंस्टॉल हो जाएगा।
और यहाँ पे एक बार हम लोग आकर के रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोग न्यू थीम इसके अंदर अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो कुछ डिफॉल्ट थीम हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ दिखने लगेगा। देख सकते हैं हमारा ये सारा कुछ अपडेट हो चुका है। तो अभी वैसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ हमको एरर आ रहा है तो इसको बेसिकली हम लोग ट्रबल शूट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग को क्या है कि एक एक करके करना पड़ेगा क्योंकि लोकल पे सर्वर पे चल रहा है तो प्रॉब्लम फेस होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी हमारा कम्प्लीटली सही तरीके से हो रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा एक और थीम बचा हुआ है तो मैं इसको भी फटाफट वो कॉमर्स को भी कर लूँगा। वो कॉमर्स बेसिकली हम लोग आगे में आपको और डीपली भी पता चल जाएगा। वो कॉमर्स बेसिकली हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट, दैट मीन्स कि हमारा कोई भी लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, इस तरीके का जहाँ पे शॉपिंग होता है उस तरीके का वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग वो कॉमर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ को हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं, ई कॉमर्स वाले लेक्चर में। तो यहाँ इस तरीके से कुछ हमारा यहाँ पे वो कॉमर्स भी इंस्टॉल्ड हो रहा है तो इसको हम लोग होने देते हैं। जब तक हम लोग को यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोग के लिए यहाँ पे ला चुके हैं और लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सिंपली इसको अपने ब्राउजर पे ले आते हैं और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से सर्च कर देता हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो बेसिकली इसी थीम के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन है तो हम लोग कुछ वो सेम थीम दिखा रहा है अभी यहाँ। सो गाइस देख सकते हैं हमारे यहाँ पे प्लगइन वूकॉमर्स भी कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल का अपने को मैसेज भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन था वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अभी प्लगइन सिर्फ हम लोग को इंस्टॉल करने से हमारा वर्क नहीं होने लगता है जब तक हम उस प्लगइन को एक्टिव ना करें। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक्टिव का हम लोग को यहाँ पे बटन मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है, उस पर हम लोग सिंपली एक्टिव पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्टिव कर चुके हैं अपने थीम को। तो यहाँ पे कुछ वूकॉमर्स का सेटिंग भी आएगा, उसको आने देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे गेट स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या कुछ दिखाया है तो बेसिकली इसके हमारा थीम के बारे में कुछ यहाँ पे डीपली में बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या मिल जाता है, वन सेकंड। ठीक है, वर्डप्रेस रिक्वायरमेंट एंड चेकलिस्ट है यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा, तो इसको भी देख लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि अपडेटेड हमारा वर्डप्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अपडेटेड ही इसके अंदर डाले हैं। नेक्स्ट चीज हमारा यहाँ पे क्या है कि देखिए नेक्स्ट हम लोग एक मिल जाता है यहाँ पे हेडिंग में दिखा हुआ है कि थीम इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन। तो ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं, थीम को हम लोग अपलोड भी कर चुके हैं, एक्टिव भी कर चुके हैं और हम लोग जो भी प्लगइन था रिवार्ड प्लगइन वो सब कुछ भी कर चुके हैं। बेसिकली ये सारा मेथड हम लोग को दिखा रहा है जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एक्टिव सब कुछ कर चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि हेडिंग का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कि हम लोग हेडिंग सेक्शन को कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा हेडिंग कुछ इस तरीके से सैम्पल पेज में दिख रहा है तो हम लोग हेडिंग पे करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए आप लोग को मिल रहा है हाउ टू कॉन्फ़िगरेशन साइड लोगो नेम एंड टाइटल टैग टाइप लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों को कुछ कस्टमाइजेबल में लेकर के चला जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पे आपको हर एक स्टेप मिल जाता है कि आपको अगर लोगो चेंज करना है ठीक है तो किस तरीके से आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ तो देखिए टॉप में आप लोगों को एक कस्टमाइज का एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे कस्टमाइज करने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग मेरे को सारा ऑप्शन मिल चुका है। तो देखिए अभी यहाँ पे कैसा सीन है कि यहाँ देखिए अपीयरेंस पे जाना है, कस्टमाइज पे जाना है, डिफॉल्ट सेटिंग पे जाना है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। यहाँ इस थीम के अंदर कुछ हम लोग को डेमो भी मिलता है। ठीक है, तो डेमो अभी हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास डेमो बेसिकली डेमो लेने के लिए हम लोग को प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग डेमो को इसको रहने देते हैं और नेक्स्ट हमारा थिंग से यहाँ पे क्या चीज़ शो कर रहा है, डिफॉल्ट सेटिंग। तो हम लोग फटाफट डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाते हैं, साइड आइडेंटिफिकेशन में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी अभी हमको लोगो डालना है ठीक है तो मैं वहाँ यहाँ पे डाल सकता हूँ। ऐसे मैं एक लोगो उठा लेता हूँ, तो देखिए लोगो हम लोग के पास एक्चुअल में अभी है नहीं। तो यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम लोगो अपलोड करूँगा इसके अंदर। तो देखिए अपलोड करने के लिए अगर मीडिया के आपके पास ऑलरेडी रहेगा तो इससे आपको मीडिया लाइब्रेरी वाले सेक्शन में दिखेगा, अदरवाइज आपको डाउन अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए सिंपली क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे अभी मैं डाउनलोड
कुछ करके रखा हुआ, डाउनलोड के नेम से हमारा कुछ लोगो है यहाँ पे रैंडम, इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ओपन पे क्लिक कर लेंगे। अभी हम लोग गाइस इसको रैंडमली मतलब कि वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। इसको फिर हम लोग अभी मतलब कि सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हम लोग एक प्रोफेशनली वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग ऑप्शन मिल जाता है तो हम लोग इसकी क्रॉपिंग को कर लेते हैं। और फिर देखिए तो हमारे क्या हुआ कि लोगो यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। अभी ये क्या है कि देखिए कुछ मेनू, अभी मैं यार रैंडमली यहाँ पे लोगो डाला हूँ तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग किस तरीके से क्या है कि यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सारा सारा चीज़ मिल गया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे देखिए अभी मैं किस सेक्शन में था, तो बेसिकली यहाँ पे था। अभी हमारा क्या है कि हाउ टू क्रिएट एंड एडिट नेविगेशन मेनू, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सही चीज़ बता रहा है को हम लोग नेविगेशन को कैसे कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसको यूज़ करते करते मेरे को पता है कि कहाँ से होगा, बट मैं आप लोग के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग को, देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए अपीयरेंस में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, मेनू में जाना है। तो ठीक है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इस मेनू वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्रिएट न्यू मेनू करेंगे, ठीक है। और एक हम लोग न्यू मेनू करेंगे, उसके अंदर हम लोग सारा जो भी हमारा मेनू का जो जैसे इसमें दिखा रहा है कार्ड, चेकआउट, माय अकाउंट, सैंपल पे, शॉप, उस तरीके से हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ मेनू का कुछ इस हिसाब से, ठीक है। ये हमारा मेनू बन गया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंदर आइटम डालेंगे। अभी हमारा टॉप मेनू में यहाँ पे प्राइमरी पे जैसे ही किया, मतलब कि यहाँ पे जो भी अभी हम बनाएंगे वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसा है, यहाँ पे भी बता रहा है कि वैसा ही कुछ करना है। आप लोग न्यू मेन्यू जो भी हमारा नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है कि इसके अंदर अब पेज कैसे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए पेज ऐड करने के लिए काफ़ी सही है, यहाँ पे ऐड न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्या है कि होम पेज करेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया होम पेज, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ पे और कुछ ऐसा पेज नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरे को सेकंड में देना है अबाउट, ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे अबाउट लिख के। तो जिससे हमारा क्या होगा कि एक पेज हमारा क्रिएट होते जाएगा। दूसरा हमारा कैसा सर्विस, फिर हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे जिससे हमारा एक पेज यहाँ पे क्रिएट होते जा रहा है और वो हमारा क्या मेनू में भी ऐड होते जा रहा है, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे सेकंड अगर हम लोग उसके बाद देख ले तो कुछ हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का भी मैं यहाँ पे पेज बनाना चाह रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या है कि मेनू क्रिएट कर चुके हैं गाइस। और यहाँ पे सिंपली अब हम क्या करेंगे कि पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। काफ़ी सिंपल है यहाँ पे मेनू भी क्रिएट करना। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे चेंजेस करके अपडेट किया हूँ, मेरा क्या है कि ऑटोमेटिक मेनू क्रिएट हो चुका है। और ये बेसिकली क्या है कि और रिस्पॉन्सिव भी रहेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा रिस्पॉन्सिव वर्क भी सही तरीके से कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से मतलब कि अभी होम पेज को क्रिएट करेंगे। ये हमारा मेनू का सीन हो गया, इसके बाद हमारा कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे देखिए मेनू वही सेम चीज़ हम लोग का है और यहाँ से कंट्री वगैरह में भी है। तो इन सारी चीज़ को यहाँ से वो करके दिखाया है, मैं आप लोगों को सिंपली क्या है कि यहाँ से ऐड मेनू ही करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेव मेनू जैसे ही करते हैं हमारा मेनू क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है, हाउ टू ऐड फुटर विजेट्स, ठीक है। फुटर के अंदर नीचे हम लोग कैसे विजेट्स को ऐड करेंगे बेसिकली। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा गाइस तो हम लोग को यहाँ पे कुछ बता देगा। तो देखिए इसमें क्या है, अपीयरेंस पे जाना है, कस्टमाइज में जाना है, विजेट्स में जाना है। तो हम लोग फटाफट आ जाते हैं, कस्टमाइज में हम लोग ऑलरेडी हैं तो हम लोग को कहाँ विजेट में जाना पड़ेगा। और हम लोग का यहाँ पे देखिए अभी बॉटम हमारा जो भी हमारा फुटर है वो ब्लैंक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए इस तरीके से क्या है कि हम लोग को जो कुछ भी मेनू के अंदर रखना पड़ेगा। सपोज कि मैं यहाँ पे पेज डाला हूँ, विजेट्स वन में पेज डाल दिया, ठीक है। विजेट्स टू जो है यहाँ पे सिंपली हम लोग कैसा
एक सेकंड, यहाँ पे ऐड विजेट्स करके अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट शो कराना चाहूँगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा सेकंड इस तरीके से कुछ क्या है कि हमारा फुटर में हमको जो कुछ भी ऐड करना रहेगा उस हिसाब से हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ इसी तरीके से बता रहा है। तो हम लोग क्या है कि फुटर को अभी रहने देते हैं और यहाँ पे मतलब इस तरीके से हम लोग क्या है कि ऐड करते जाएंगे। तो अभी मैं टॉप से वॉक करना शुरू करता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फुटर पे नीचे में आएंगे तो हम लोग करेंगे। अभी हम लोग पब्लिश पे कर दिए हैं जितना भी हम लोग काम किए हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है अभी यहाँ पे हमारा कि देखिए अपीयरेंस में हाउ टू कॉन्फिगर वेबसाइट कलर, ठीक है। यहाँ पे कुछ है हम लोग को जो थीम है ये कलर भी देता है, जैसे अभी कलर कॉम्बिनेशन क्या है कि ब्लैक एंड येलो पे है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हॉवर इफेक्ट पे हमारे येलो आ रहा है, हमारा बैकग्राउंड क्या है हेडर वगैरह का ब्लैक है। तो देखिए हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करने के लिए सिंपली क्या है कि कस्टमाइज के अंदर आप लोग को डिफॉल्ट सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाते हैं और यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी कैसा व्हाइट है, ठीक है। अगर हम लोग को ऐसा कुछ रेड करना रहेगा तो हम लोग जैसे ही इस पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड वगैरह क्या होगा कि रेड से चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसी कुछ तरीके से बता रहा है। तो हम लोग जैसा एक चेंज कर करके हम लोग अगर पब्लिश कर देते हैं तो उस हिसाब से हमारा क्या है कि कलर यहाँ से चेंज होते जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज वगैरह भी हम लोग इस चीज़ इसके अंदर लगा सकते हैं। मैं एक बार आप लोग को लगा करके कुछ भी रैंडम दिखा देता हूँ। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा तो हमारा क्या है कि बैकग्राउंड मतलब कि पूरा का पूरा वेबसाइट जो रहेगा उसके पीछे हमारा क्या है कि इमेज हमारा शो होगा। जैसे मैं पब्लिश करूँगा उस हिसाब से हमारा यहाँ पे शो होगा। तो मेरे को अभी यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में नहीं लगाना है। नेक्स्ट थिंग हमारा क्या रहता है यहाँ पे, अगर कहाँ तक हम लोग यहाँ पे देख चुके, देखिए बैकग्राउंड इमेज का भी मैं अभी बताया आप लोगों। अभी यहाँ पे हमारा होम पेज को कैसे मतलब अभी जो हमारा ये पेज रन हो रहा है बेसिकली जो हम लोग को हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा कौन सा पेज दिख रहा है, ये हमारा सैम्पल पेज दिख रहा है। अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ वापस अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है, और डैशबोर्ड के अंदर अगर मैं पेज के अंदर आऊँगा तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे सैम्पल पेज क्रिएट हो रहेगा, देख सकते हैं ये, ठीक है। अगर मैं इसको जैसे ही ट्रैश कर देता हूँ दैट मीन्स कि डिलीट कर देता हूँ तो हमारा क्या होगा कि होम पेज पे जो भी हमारा यहाँ पे था अभी, देखिए मैं यहाँ से रिमूव कर दिया हूँ अपने इसको पेज को सैम्पल पेज को, और यहाँ पे हम एक बार आकर के अपने वेबसाइट पे देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले क्या है कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग फोकस कर रहे होंगे कि यहाँ पे मैं जो भी मेनू ऐड किया हूँ, ठीक है, जैसे होम अबाउट सर्विस, मैं पेज सेक्शन में आकर के कोई भी पेज को क्रिएट नहीं किया। हम क्या है कि जिस टाइम मैं मेनू क्रिएट कर रहा था उसी वक्त मैं क्या नेम दे दिया, सारा पेज मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ओ अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, ठीक है, सर्विसेज है, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस है। तो इस हिसाब से हमारा क्या है कि यहाँ पे पेज क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग एक चीज़ क्या करते हैं कि देखिए होम पेज में हम लोग अपने मतलब कि होम पेज को कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और ये अपने को मिल जाता है यहाँ पे स्टैटिक फ्रंट पेज, हाउ टू सेट अप स्टैटिक फ्रंट पेज। तो देखिए यहाँ पे करने के लिए कैसा बोल रहा है कि आपको पहले एक होम पेज नेम से क्रिएट करना पड़ेगा पेज, ठीक है। तो वो चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे मेरा कुछ होम पेज करके है, अच्छा होम पेज करके नहीं है, चलो यहाँ पे हम लोग फटाफट क्या है कि एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ न्यू करके, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को पेज कैसे क्रिएट करना है, अभी मैं यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा कुछ पेज का टाइटल वगैरह आएगा तो इसको सिंपली कट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए होम ऐड करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या किए हैं कि सबसे पहले तो हम लोग एक पेज ऐड न्यू पेज कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग होम या फिर कुछ भी आप होम पेज आप दे सकते हैं अपने हिसाब से नेम। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ करना है कि देखिए टेम्पलेट में क्या है कि कभी भी आप पेज ऐड करोगे तो वो डिफॉल्ट पे रहता है, ठीक है। और जिसको आप लोगों को होम पेज बनाना है उसमें क्या है कि आप लोगों को यहाँ से ड्रॉप डाउन करके होम पेज कर देना है, देन उसके बाद आप लोगों को सेव या फिर अपडेट कर देना है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जैसे ही करते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो भी मैं होम पे के अंदर कंटेंट अभी के लिए डाला हूँ वो हमारे यहाँ पे शो हो रहा है और मैं सारा सारे के सारे मतलब कि पेज पे अभी नेविगेट कर पा रहा हूँ इजिली, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग और आगे कैसे मतलब कर सकते हैं, ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
और फिर अबाउट सेक्शन हमारा ये सारा का जो साइड, ये जो हमारा साइड आ रहा है पोस्ट, ये सारे को हम लोग को रिमूव भी करेंगे और हम लोग अपने हिसाब से वर्क करेंगे। जो भी हमारा रेस्ट चीज बचा है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं और बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे वर्डप्रेस के बारे में जानने वाले हैं। सो गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।